मैं आपकी तरफ आता हूं, आप किस तरह देखते हैं और केवल जी की बात से आप कितने सहमत और असहमत हैं? और सवाल मेरा अभी भी वही स्टैंड कर रहा है, मैं केवल साहब को भी छोड़ने वाला नहीं हूं, सवाल तो पूछूंगा कि भविष्य का छिंदवाड़ा कैसा हो। आप अभी के छिंदवाड़ा में क्या बेहतर देखते हैं और क्या और बेहतर होने की गुंजाइश देखते हैं? देखिए ऐसा है शरद जी, अभी जो केवल ने कहा बिल्कुल सही है कि हमें अभी की स्थिति को देखना चाहिए, भविष्य में जो होगा वो तो होगा ही। मैं कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यवसायी हूँ। मैं आदरणीय कमलनाथ जी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक क्रांति लाई थी सोयाबीन की। अभी हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत बड़ा है गेहूँ का, मक्के का, उससे रिलेटेड कुछ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आए तो उससे यहाँ के किसानों का और यहाँ के व्यवसायियों का सभी का काफ़ी फायदा होगा, और वो सिर्फ कमलनाथ जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता छिंदवाड़ा के लिए। अगर वैसे भी हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कृषि में जो स्कोप अभी छिंदवाड़ा में नहीं पूरे भारत में ही बढ़ा है, लेकिन जो इंडस्ट्रिया की कमी है, जिससे पहले कमलनाथ जी के माध्यम से सोयाबीन प्लांट्स वगैरह लगे थे यहाँ पे, आज हमारे यहाँ एक स्टार्च प्लांट की बहुत ज़रूरत है, कुछ वीट से रिलेटेड काम के लिए बहुत ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं तो छिंदवाड़ा का और स्पीडली विकास, यानी बहुत तेज़ी से छिंदवाड़ा बढ़ेगा। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं हम कुछ समय पहले रतलाम में थे, वहाँ कुछ उन्नत खेती करने वाले कृषकों को, जिनको कृषक क्या कहें, उद्यमी कहना ज़्यादा ठीक है, एक ताइवानी अमरूद होता है जो 15 दिन तक ख़राब नहीं होता, वहाँ किसानों ने सबसे पहले मध्य प्रदेश में उगाया इतना बड़ा अमरूद, सबसे पहले वाइन बनाने की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में रतलाम के पास पाटीदार ब्रदर्स ने लगाई, खुद उन्होंने अंगूर का उत्पादन किया। तो उद्यमी व्यक्ति कितना कुछ परिवर्तन करता, और छिंदवाड़ा में जिस तरह की उद्यमिता हमने देखी है, अब ये मौका भी है कि वो लोग जिन्होंने जिनको छिंदवाड़ा के आगे बढ़ने का फ़ायदा मिला है, वो छिंदवाड़ा को आगे बढ़ाएं।